नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के राष्ट्रीय अभ्यारण दोस्तों यहाँ पर, वन्य जीव अभ्यारण दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो नंबर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 133वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, इसको कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपके रिट के सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, ये आपके अब तक हमने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहाँ पर। लगभग 90% आपका कोर्स कवर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर रिट का, यानी कि 26 सितंबर को जो आपकी एग्जाम होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, उनमें इन्हीं कॉन्सेप्ट से एग्जाम पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ये प्रत्येक कॉन्सेप्ट वहां से लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का भूगोल एवं संसाधन में दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण है दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर है 133वें नंबर का। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर 132 वीडियो, 131 और 130 वीडियो हमने भूगोल के कंप्लीट करा दिए है दोस्तों यहाँ पर। तो की संख्या है इसमें 45 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 45 प्रश्न आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर एग्जाम में सफलता पानी है दोस्तों यहाँ पर, चुनौती का सामना करो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पीछे भागना नहीं है आपको, मंजिल पाकर ही रहना है दोस्तों यहाँ पर। बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इनको कवर कर लीजिएगा। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके इनके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप लोग नए को सब्सक्राइब जरूर कर लो और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। हमारे चैनल पर 75,000 स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां पर सभी लोगों का दोस्तों यहां पर। देखिएगा, जिनके पास नहीं पहुंचता है, समय पर वीडियो नहीं पहुंचता है, तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लो दोस्तों यहां पर। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा दोस्तों यहां पर। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहां पर। ये आपके अभ्यारण है दोस्तों यहां पर, यानी कि भारत के संपूर्ण जो अभ्यारण है दोस्तों यहां पर, जहां से एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों यहां पर, वो करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जो तैयार रहेगा दोस्तों यहाँ पर, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो अभ्यारण है वो आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हर एग्जाम में। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके इनके सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा जिम पार्क हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है, ये दोस्तों यहां पर उत्तराखंड में है, ध्यान रख लेना, उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे जिले का नाम तो ध्यान रखना देहरादून में है दोस्तों यहां पर। अगर आपसे यहां पर नगर का नाम पूछे तो रामनगर में स्थित है दोस्तों यहां पर, ये ध्यान रख लेना। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी दोस्तों यहां पर, किसके द्वारा की गई थी, जिम का एक व्यक्ति था दोस्तों यहां पर, उसने इसकी स्थापना की थी दोस्तों यहां पर। यहां पर वन्य जीव संरक्षण के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों यहां पर, टाइगर को बचाने के लिए दोस्तों यहां पर इस अभ्यारण की स्थापना की थी। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और सामने बताना होगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है तो ध्यान रखना पहले नंबर पर एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा दोस्तों यहां पर, और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है भारत के, बताइएगा, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में यानी कि सर्वाधिक बाघ अभ्यारण है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। और मध्य प्रदेश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 11 है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना, यह 11 अभ्यारण है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय अभ्यारण है वो मध्य प्रदेश में। भारत में टोटल राष्ट्रीय अभ्यारण की बात करें तो 104 है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपसे पूछे तो नागार्जुन हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यानी कि कक्षा 9 की बुक में है दोस्तों यहां पर, वन्यजीव वन्य अभ्यारण दोस्तों यहां पर, कक्षा 10 की में भी है, 8वीं और 7वीं और 6वीं क्लास में भी दे रखा है दोस्तों यहां पर। तो वो पुस्तक पढ़ी होगी
की जो पुस्तक पढ़ी होगी दोस्तों यहाँ पर, तो आपको ये याद हो गए होंगे दोस्तों यहाँ पर। अब आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो और एग्जाम को क्रैक करो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सर्वप्रथम भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन सा है, रणथंभौर, कान्हा, दुधवा या फिर पेच। तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेच हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और पेच जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में भी है और दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र में भी है, दो पेच है। लेकिन एक ध्यान रख लेना, एक राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों यहां पर, राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र में बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, अगर भारत का देखिएगा, इनमें कंफ्यूज होते हैं, रणथंभौर करके आते हो दोस्तों यहां पर, बहुत स्टूडेंट रणथंभौर करके आते हो, तो दोस्तों यहां पर पेच हो जाएगा, ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजायो कहां पर स्थित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये झील में है दोस्तों यहां पर यह अभयारण्य, और तैरता दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, गिर वन गुजरात में, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, काजीरंगा सेंचुरी असम में, दूधवा सेंचुरी उत्तराखंड में। तो इनमें से आपको पहचानना होगा कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है। तो दोस्तों ये जो दूधवा है ये गलत है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, गेंडे के लिए या फिर बाघ के या फिर पक्षी या फिर गौ। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सींग के गेंडे के लिए जाना जाता है दोस्तों यहां पर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ये है दोस्तों यहां पर असम में है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना असम में स्थित है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण निम्न में से किस राज्य में स्थित है, और सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहां पर, आरटीएस आरएएस और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है दोस्तों यहां पर, कहीं एग्जाम में रेलवे में भी पूछा गया है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में। तो दूधवा जो है दोस्तों यहां पर, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, कहां पर है, चंडीगढ़, भरतपुर, कुड़गांव या फिर गांधीनगर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुड़गांव है, और कुड़गांव कहां पर है, ये हरियाणा में है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर इनको क्रैक कर लीजिएगा, पूरी तरह तोड़ के रख दो दोस्तों यहां पर पेपर को। अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपने तोड़ के रख दिया दोस्तों यहां पर, तो सेट एसएसटी में आप यहां पर दोस्तों यहां पर 55 प्लस करके आओगे दोस्तों यहां पर, जो कि हमारा टारगेट है। और आपका टारगेट आपको पता होना चाहिएगा कि 130 प्लस है 150 में से। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि निम्न राज्यों में भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम राज्य में है दोस्तों यहां पर। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अगर असम राज्य से आपको दो अभ्यारण है दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण है, और दो अभ्यारणों में से पूछा जाता है, एक तो है मानस, जी हाँ दोस्तों मानस, काजीरंगा मानस ये आपसे पूछा जाता है, काजीरंगा एक सिंह के गेंडे के लिए है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए, कौन सा जोड़ा गलत है, गिर गुजरात में, पेरियार केरल में, जिम उत्तराखंड में, और मानस हिमाचल में। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर, तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर सभी का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर, बताइएगा नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर असम में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों यहां पर, और
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, गिर अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह है किस राज्य में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहां पर पूरे विश्व भर में, तो यह कहां पर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है, बताइएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर बाघों के लिए, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कान्हा जो अभयारण्य है वो बाघों के लिए है दोस्तों यहाँ पर, और ये कान्हा कहां पर है, ये कान्हा है दोस्तों यहाँ पर एमपी में है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2019 के उपलब्धि आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 104 है ध्यान रख लेना, जिसमें सबसे अधिक अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर एमपी में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आ जाएगा असम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल वुड फार्सकल पार्क स्थित है, कहां पर है ये पार्क, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर उदयपुर में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर में है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम नेशनल अभयारण्य है यहां पर कौन, नेशनल पार्क हो जाएगा दोस्तों यहां पर जिम पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में उत्तराखंड में की गई थी दोस्तों यहां पर रामनगर में। अगला देखिएगा यहां पर, उत्तर प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, बाघों और हाथियों के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए या फिर जंगली भैंसा के लिए या फिर पक्षियों के लिए, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मध्य प्रदेश का, जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहां पर शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना होगा कौन सा जोड़ा गलत है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गलत जोड़ी की पहचान करनी है अपन को, तो यहां पर दोस्तों यहां पर दाचीगाम यहां पर हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, बताना होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर किम्बुल लामजाओ, जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। 23 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, 23 क्वेश्चन को और करेक्ट कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, देखिएगा चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश में है ये चंद्र प्रभा, जी हां दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताना होगा करेक्ट आंसर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में, तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात में स्थित है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर नल और गिर, जी हाँ दोस्तों दोनों गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लेना माइंड में बैठा लो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल अभयारण्य का पुराना नाम क्या था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में देहरादून में, तो इसका पहला नाम क्या था, ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जिम कॉर्बेट नाम का एक व्यक्ति था, उसने यहां पर वन्य जीवों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, बहुत उपलब्धियां हासिल की थी दोस्तों यहां पर, जब इसका नाम रख दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रख दिया था दोस्तों यहां पर उसके बाद। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघ अभयारण्य नहीं है,
सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भी बाघ अभ्यारण्य नहीं है, तो वो है गुजरात राज्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना के तहत भारत के कितने अभ्यारणों को इस परियोजना के तहत जोड़ा गया था। सबसे पहले आपको पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी भारत में सबसे पहले। इसके अंतर्गत कितने अभ्यारणों को इसके अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने 9, 8, 7 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अभ्यारणों को इसके अंतर्गत रखा गया था दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग तो फेमस है, आप जानते हो किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों हजारीबाग है झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, इनको क्रैक कर दीजिएगा। और प्लीज यहां तक जो स्टूडेंट आए हैं, वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और पता चलेगी कौन कौन यहां तक आए हुए हैं दोस्तों यहां पर, एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से पता चलता है कि कितने स्टूडेंटों ने ये वीडियो पूरा देखा है दोस्तों यहां पर, और शेयर कर दो दोस्तों यहां पर, जितना हो सके शेयर कर दो दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपका पूरा कोर्स यहां से आपको कंप्लीट होने वाला है दोस्तों यहां पर। अब तक 133 वीडियो प्लस यहां पर यानी कि 25 टेस्ट पेपर आपके लिए डाले जा चुके हैं दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको पहचानना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांदीपुर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जब मैंने आपको राजस्थान के अभ्यारण कंप्लीट कराए थे तो ये क्वेश्चन उसमें भी डाला गया था दोस्तों यहां पर। अब बताना होगा करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर आपको देना होगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना होगा कि यहां पर टाइगर मैन किसको कहा जाता है दोस्तों यहां पर। ये मैंने आपको 2 से 3 बार कंप्लीट करा दिया है ये क्वेश्चन दोस्तों यहां पर, तो सभी का कमेंट आंसर आना चाहिए दोस्तों यहां पर सही एकदम। अगला देखिएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी दोस्तों यहां पर सभी आंसर सही देंगे तो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में कितने बाघ अभ्यारण है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 3 बाघ अभ्यारण है दोस्तों यहां पर, दर्रा है दोस्तों यहां पर, सरिस्का है दोस्तों यहां पर, रणथंभौर है, ये तीनों है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राजाजी नेशनल पार्क स्थित है कहां पर है ये? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों यहां पर। उत्तराखंड को आप, उत्तराखंड राज्य के आपको 2 राष्ट्रीय राज पार्क याद करने होंगे दोस्तों यहां पर, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताना होगा दूधवा, बादबगढ़, आमनगढ़ या फिर पीलीभीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बादबगढ़। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बादबगढ़ नहीं है। देखिएगा दूधवा है दोस्तों यहां पर, जो कि यहां पर उत्तर प्रदेश में है, और आमनगढ़ है उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत है उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन राष्ट्रीय 1973-74। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, पेच राष्ट्रीय अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो पेच अभ्यारण है वो कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना होगा, सही जोड़े की पहचान कीजिएगा, जो गलत जोड़ा है आपको पहचानना होगा।
बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेलघाट राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ये जोड़ा सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा अभ्यारण राइनो के लिए जाना जाता है, बताना होगा कैबला देव या फिर कैलाब देव सरिस्का या फिर काजीरंगा या फिर मानस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पर राइनो के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छह क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको क्रैक कर दीजिएगा। अगला देखिएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, बताना होगा करेक्ट आंसर कब हुई थी इसका सही आंसर। एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी कब हुई थी भारत में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर आपने बता दिया होगा दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में हुई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, बताना होगा करेक्ट आंसर सभी को, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। अगला देखिएगा यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट अथॉरिटी की स्थापना कब की थी, 1990, 2005 या फिर 1992 या फिर 2002 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट अथॉरिटी की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताना होगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा गिर आपको पता है एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये जोड़ा सही है। अगला देखिएगा कैबला देव जो कि साइबेरियन सारसों के लिए प्रसिद्ध है, ये जोड़ा सही है। काजीरंगा जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ये जो दाचीगम है ये हाथी के लिए, ये गलत जोड़ा है दोस्तों यहां पर, आपको पहचानना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कस्तूरी मृग पाया जाता है, कहां पाया जाता है बताना होगा, हिमाचल हिमालय क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में या फिर सुंदरबन में या फिर तमिलनाडु में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों यहां पर बताएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है, बताना होगा उडन गैलरी के लिए उत्तर प्रदेश या फिर चौसिंगा राजस्थान या फिर जोमोद लद्दाख या फिर रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर, बताना होगा पश्चिम बंगाल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो उडन गैलरी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बल्कि यहां पर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आप लोगों ने यहां पर 45 क्वेश्चन क्रैक कर दिए है, और प्लीज बताना कि 45 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर। आगे देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहां पर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहां पर, जो कि 134वें नंबर का वीडियो होगा, यानी कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों यहां पर, और 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर। देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा 130वें वीडियो से, और एक क्वेश्चन आपकी जलवायु से संबंधित आएगा, और भारत की प्राकृतिक वनस्पति से एक क्वेश्चन यहां से आएगा, और देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण से आएगा एक क्वेश्चन, और देखिएगा इनसे प्रत्येक कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहां पर एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये 11 कॉन्सेप्ट है आपके भारत की ज्योग्राफी में, और यहां से आपको 11 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, बिल्कुल हुआ हूं, बिल्कुल वही के वही जो मैं आपको बता रहा हूं, वही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों यहां पर। इस तरह से संविधान में भी दोस्तों यहां पर ये वीडियो हमने कवर करवा दिया है दोस्तों यहां पर, अगर जिन्होंने संविधान नहीं देखा है दोस्तों यहां पर, तो 122 से लेके और यहां पर देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 128 तक वीडियो जरूर देख लो, और 110 और 111 और 112 वीडियो भी जरूर देखना दोस्तों यहां पर, इसमें आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारत का जो आधुनिक भारत है, मध्य भारत है, प्राचीन भारत का इतिहास, इन वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, यानी कि लगभग और लगभग 80% 90% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहां पर। और प्लेलिस्ट पर ज्यादा ध्यान दो दोस्तों यहां पर, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा हल करो दोस्तों यहां पर, अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों यहां पर, टाइम बहुत कम है। तो प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहां पर, वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज जरूर बताना दोस्तों यहां पर, और शेयर करो और लाइक करो, और दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नॉलेज को। धन्यवाद।